हेलो नमस्कार साथियों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर चैप्टर से मुहावरे टॉपिक को पढ़ेंगे। मुहावरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाला है, इसलिए आपको सारे टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। फिर एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न कीजिएगा ताकि हर चैप्टर अच्छा से क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ सिद्ध करना वाक्य को व्यक्त करने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना होता है दोस्तों सिर्फ अपने लिए ही काम देखना, और मतलब कि सिर्फ अपना काम निकालना। तो ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है, जो सबसे सटीक बैठेगा हम लोग उसी का आंसर देखेंगे। ठीक है, वही आंसर राइट बनेगा। तो स्वार्थ सिद्ध करना, इसका ए ऑप्शन दिया है चापलूसी करना, मक्खन लगाना, ठकुर सुहाती करना और उल्लू सीधा करना। चापलूसी करना होता है दोस्तों कि किसी को कुछ काम अपना निकालना है तो बैठ के उसका मतलब कि क्या, उसका बड़ाई करना या उसको हम लोग चापलूसी कहते हैं। मक्खन लगाना भी वही होगा और ठकुर सुहाती करना भी वही, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। उल्लू सीधा करना मतलब होता है सिर्फ अपना काम देखना। ठीक है दोस्तों, तो स्वार्थ सिद्ध करना का सटीक आंसर उल्लू सीधा करना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन देखेंगे, जो क्वेश्चन के अनुसार सटीक रहेगा वही हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऑप्शन क्या होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, उनमें भी जो सटीक ज़्यादा रहेगा उसी को हम लोग आंसर बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब होता है, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। बहुत सारे क्वेश्चन से ही अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर होना का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कमाऊ होना, धंधा करना और स्वाधीन होना और अपने पैरों पे खड़ा होना। आत्मनिर्भर होना का ही यहाँ पे राइट आंसर अपने पैरों पे खड़ा होना, क्वेश्चन से ही इसका भाव पता चल रहा है। आत्मनिर्भर होना मीन्स अपने पैरों पर खड़ा होना। कमाऊ होना ये इससे रिलेटेड नहीं है, धंधा करना भी अलग चीज़ हो गया, स्वाधीन होना। तो ये तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग है, सिर्फ इसका डी ऑप्शन ही सही है, इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री में है अपनी प्रशंसा करना वाक्य को ठीक अर्थ देने वाले, मतलब कि ये चारों में जो सबसे सटीक आंसर है उसी को हम लोग को चूज करना वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सेखी भगाना। सेखी भगाना मतलब होता है जितना है उससे ज़्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलता हूँ, उसको हम लोग सेखी भगाना बोलते हैं, तो ये इसका अर्थ नहीं हो सकता। डिंग हाँकना, डिंग हाँकना भी उसी से रिलेटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई करना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना मतलब खुद अपने बारे में बोलना, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अपनी तारीफ के पुल बांधना, ये तीनों जो ऑप्शन हैं मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बोलने के अनुसार है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर में है धोखा देना। धोखा देना होता है, ये भी आसान है, आँखों में धूल झोंकना। धोखा देना हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी लगते हैं लेकिन उसका राइट आंसर फिर समझने में दिक्कत हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, इसलिए कोई भी चैप्टर आसान नहीं होता है। सबको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सबको रिवीजन करना चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है दोस्तों, तो धोखा देना होता है आँखों में धूल झोंकना। ए ऑप्शन है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना होता है कि मूर्ख बनाना किसी को, ये इसके अनुसार नहीं है। मनगढ़ंत बातें करना, ये भी रिलेटेड नहीं है। पेपर की उड़ाना, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है बुद्धि भ्रमित होना। बुद्धि भ्रमित होना मतलब कि क्या हो सकता है, चक्कर में पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना और उल्लू बनना।
बुद्धि भ्रमित होना मतलब कि उसका दिमाग उस समय काम नहीं करना, मतलब अकल पर पत्थर पड़ना, ये इसका सटीक आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी चक्कर में पड़ना, ये दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। धोखा खाना, उल्लू बनना, ये सब अलग अर्थ देता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही भ्रमित होना का, अकल पर पत्थर पड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग 1 से 5 तक देखें, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए वीडियो में ही। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट में स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना का क्या होगा आंसर, उल्लू सीधा करना, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड में आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना का हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। 3 नंबर है अपनी प्रशंसा करना, मीन्स अपने मुंह मियां मिठू बनना, ऑप्शन नंबर सी। 4 में है धोखा देना, धोखा देना हो गया आँखों में धूल झोंकना, ऑप्शन नंबर सी इसका भी। 5 में है बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि भ्रमित होना मीन्स अकल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों एकमात्र सहारा, ठीक है, और मतलब कि उसका कोई भी सहारा नहीं है, सिर्फ एक सहारा, मतलब इसका अर्थ कौन सा सटीक होगा। धरती की गोद, ऑप्शन नंबर ए में है धरती की गोद, ये क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। नीली छतरी वाला, ये भी रिलेटेड नहीं। आँखों का तारा, ये तो बहुत प्यारा हो जाता है, ये भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है अंधे की लाठी। तो एकमात्र सहारे के अनुसार अंधे की लाठी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, एकमात्र सहारा मतलब अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अत्यधिक प्रिय पुत्र, मीन्स अत्यधिक प्रिय पुत्र को निम्नलिखित में से किस मुहावरे से व्यक्त किया जा सकता है। हृदय दुलारा, मेरा चांद, लाडला, आँखों का तारा। अत्यधिक प्रिय मीन्स आँखों का तारा, बहुत प्यारा। मेरा चांद, हृदय दुलारा, लाडला, ये सब मुहावरे नहीं हैं, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। तो मुहावरा इसका आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इकलौते पुत्र के लिए अभिव्यक्त देने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र के अनुसार आँखों का तारा, आँखों का तारा तो बहुत प्यारा अर्थ देता है, इकलौते पुत्र का इसका सटीक आंसर नहीं बनेगा। अंधेरे घर का दीपक, अंधेरे घर का दीपक ये हो सकता है, मतलब इकलौता पुत्र, वो सिर्फ एक ही है जो उसके घर का चिराग है, उसके घर को दीपक है। ठीक है दोस्तों, तो अंधेरे घर का दीपक के अनुसार इकलौता पुत्र इसका सटीक आंसर होगा। आँखों का उजाला, नयन तारा, ये सब इसका अर्थ नहीं देता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इकलौते पुत्र के अनुसार अंधेरे घर का दीपक इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है महामूर्ख के सामने वेद पाठ करने के लिए उपयुक्त मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। महामूर्ख के सामने वेद पाठ करना, मतलब कोई महामूर्ख आदमी है, उसको हम समझा रहे हैं तो वो कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको समझा के। तो इसका राइट आंसर होगा अंधे के आगे रोना, ये तो गलत हो जाएगा। बूढ़े तोते पढ़ाना, रेत से तेल निचोड़ना, ये सब अलग अर्थ देता है। भैंस के आगे बिन बजाना, इसके अनुसार ये इसका मुहावरा सही है। भैंस के आगे बिन बजाना मीन्स महामूर्ख के सामने वेद पाठ करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। राम की दृष्टि में अब श्याम का कोई महत्व नहीं रहा, मतलब कि राम अब श्याम का कोई महत्व नहीं दे रहा है। इस वाक्य को, घटना को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करेंगे। दूध से मक्खी निकाल फेंकना, आस्तीन का सांप समझकर छोड़ देना, आँखों से गिराना, आँखें फेरना। आँखें फेरना हो जाता है खिलाफ होना, मीन्स दुश्मनी हो गया। दूध से मक्खी निकाल फेंकना, ये महत्व नहीं रहा, महत्व नहीं देना का राइट आंसर नहीं बन सकता। आस्तीन का सांप मतलब कि धोखेबाज मित्र। ठीक है दोस्तों, आँखों से गिरना मतलब कि ये हो सकता है कि उसका अब कोई वैल्यू नहीं है, उसके नज़रों में वो आँखों से गिर गया है। तो ये इसका राइट आंसर, राम की दृष्टि में अब शाम का कोई महत्व नहीं रहा, ऑप्शन नंबर सी आँखों से गिरना। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन अलग हैं। तो फिर से हम लोग रिविज़न कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा का हो जाएगा सटीक आंसर अंधे की लाठी, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 7, अत्यधिक प्रिय पुत्र, अत्यधिक प्रिय पुत्र का हो जाएगा आँखों का तारा। इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का हो जाएगा दोस्तों अंधेरे घर का दीपक। और
महामूर्ख के सामने वेद पाठ करना मीन्स बहस के आगे बिन बजाना, और राम की दृष्टि में अब शाम का कोई महत्व नहीं रहा मीन्स आँखों से गिरना। तो इस तरह से हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मुहावरे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत आसान भी है, एक बार पढ़ने से सुनने से आप लोग के माइंड में आ जाएगा, फिर दोबारा रिवीजन इसको सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही कर लीजिएगा, बहुत काफ़ी हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोग सारे जितने भी टॉपिक हैं अच्छा से एक एक करके कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी फॉर्म आ सकता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद तुरंत ही हो जाएगा। पिछला बार भी इसी तरह हुआ था, फॉर्म आया था, एक महीना के अंदर ही एग्ज़ाम हो गया था, इसलिए फॉर्म भरने का वेट नहीं कीजिए, आप लोग अभी से अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से चालू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। इसमें हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता का स्वांग करके शत्रुतापूर्ण कार्य करना मीन्स हो गया कि मित्र आगे में मित्र बनना और पीछे में फिर उसका उसको धोखा देना, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी। धोखे की टट्टी रस में विष होना, विभीषण बनना, ये सब मुहावरा नहीं है, ये सब इसका अर्थ बन सकता है। तो मित्रता का स्वांग करके शत्रुतापूर्ण कार्य करना आस्तीन का सांप होना होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है प्रेम हो जाने के भाव को व्यक्त प्रदर्शित करने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। प्रेम हो जाना मीन्स होता है दोस्तों चार होना, आँखें लड़ना, आँख लगना, आहें भरना। तो आँखें चार होना, आँखें लड़ना, आँख लगना, आहें भरना, इसमें दो ऑप्शन इसका सही हो सकता है। आँखें चार होना, आँखें लड़ना, आँख लगना तो अलग हो गया, आहें भरना अलग, ये तो दोनों तो आंसर बन ही नहीं सकता है। आप लोग दो क्वेश्चन मतलब कि हम लोग इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं कि कौन सा इसमें नहीं होगा उसको पहले हटा देते हैं, तो बाकी जो बचेगा उसमें से बनेगा, तो हम लोग को फिर चूज करना इजी हो जाता है। प्रेम हो जाना, आंखें चार होना, आंखें लड़ना, इसमें ज़्यादा राइट हो सकता है आंखें लड़ना, यही इसका इससे भी ज़्यादा ऑप्शन सटीक बैठ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13 उपेक्षित करना। उपेक्षित करना का भाव क्या हो सकता है, भर्त्सना करना, दुत्कार देना, आंखें फेर लेना, त्याग कर देना। त्याग कर देना तो नहीं हो सकता है, सबसे पहले जो नहीं होगा उसे ही हम लोग हटाएंगे। भर्त्सना करना ये भी तो नहीं हो सकता। अब बचा आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना होता है खिलाफ होना, और दुत्कार देना उपेक्षित करना मतलब दुत्कार देना, यही इसका राइट आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, उपेक्षित करने का ज़्यादा सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कभी कभी अत्यधिक हानि हो जाने पर भी सुख का अनुभव किया जाता है, मतलब कि कुछ घटना हो गया जैसे कि उस दुख वाला, तो फिर वहाँ पर भी हम लोग कुछ अच्छा हो सकता है, उस मुहावरा इसमें सटीक मुहावरा कौन सा होगा। कभी कभी अत्यधिक हो जाने पर भी दुख का अनुभव सुख का अनुभव किया जा सकता है, न होगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, इसका तो अलग अर्थ होता है कि ना वो वस्तु रहेगी ना उससे रिलेटेड कोई मतलब कि परेशानी होगी। अंगूर खट्टे हैं ये भी अलग, आंखें फूटी पीर गई, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, तो ये सब ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, तो इसको पहले हम लोग हटा देंगे। ना होगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, ये भी हट गया। अंगूर खट्टे ये तो पहले ही हट गया। आंखें फूटी पीर गई, इसको देखने से अच्छा से समझ में आएगा इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि आँख फूटी मतलब कि कुछ परेशानी हो गया, कुछ हानि हो गया, पीर गई तो वो ख़त्म हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना, अब हम लोग को आगे देखना है, सुख का अनुभव करना। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन इसका सही बन सकता है आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है अत्यधिक ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है। अत्यधिक ऊंचाई, तो ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना होता है असंभव काम को संभव करना, यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई, तो असंभव काम को संभव करने का अर्थ में ये इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। आकाश से बातें करना मतलब कि अत्यधिक ऊंचा है तभी तो हम ऊंचाई वाले चीज़ से बात कर रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आसमान छूना, आसमान से लड़ना, आसमान छूना मतलब होता है कि बहुत आगे बढ़ना, मतलब अपने काम में बहुत आगे निकल जाना, इतना आगे निकल जाना कि जैसे आसमान छूने से रिलेटेड। आसमान से लड़ना ये तो पहले ही हट गया। आकाश के तारे तोड़ना ये भी हट गया। आकाश से बातें करना, आसमान छूना,
ये दोनों में तो ये जो है आसमान छूना इसका पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, आगे बढ़ने से संबंधित है। यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई की बात कर रहा है तो आकाश से बातें करना यहाँ पे राइट आंसर बन सकता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 15 का आंसर राइट बनेगा। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। मित्रता का श्वांग, मित्रता का श्वांग होता है आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी 12 में है। प्रेम हो जाने के भाव में कौन सा इसका राइट आंसर बना था, ऑप्शन नंबर बी उपेक्षित करना का हो सकता है, दुत्कार देना, और हानि होने पर भी सुख का अनुभव करना मतलब ऑप्शन नंबर सी आग फूटी पिर गई, अत्यधिक ऊंचाई मीन्स आकाश से बातें करना, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है असंभव कार्य संपन्न करना, ये अभी ही आया था असंभव काम संपन्न करने का, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को संपन्न कर देने पर कौन सा मुहावरा इसका सटीक आंसर बनेगा, आकाश के तारे तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी लंका जीतना, दिग्विजय करना, चैंपियन होना, ये सब मुहावरे का अर्थ है। आकाश के तारे तोड़ना ये एक मुहावरा है तो इसलिए 16 का आंसर बनेगा सी असंभव कार्य संपन्न करना, आकाश के तारे तोड़ना। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कतराना अथवा मुँह छिपाने के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। कतराना मुँह छिपाना मतलब किसी काम को करने से उसका मन नहीं होना, पर्दे में छिपना, मुँह छिपाना, आँख चुराना, आँखों से ओझल होना, आँखों से ओझल होना ये अलग अर्थ देता है। मुँह छिपाना, पर्दे में छिपना, ये सब कोई इसका सटीक आंसर नहीं बैठ रहा है। मुँह छिपाना तो यहाँ बोल ही रहा है। आँख चुराना मतलब कि पीछे हटकर खड़ा होना, सामने नहीं आना ताकि उसको कोई काम करने के लिए बोला ना जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन के अनुसार सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 घमंड में सबको तुच्छ समझ लेने वाले व्यक्ति का उपयोग किया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। घमंड में सबको तुच्छ समझ लेना मतलब कि अपने आगे किसी को ना समझना, ऐठना, आँखों पर चर्बी छाना, घमंड से चूर होना होता है, अकड़ दिखाना, बढ़ बढ़ कर डिंग हाँकना, तो ये बढ़ बढ़ कर डिंग हाँकना ये पहले ही हट जाएगा, ऐठना ये भी हट गया, अब आँखों पर चर्बी छाना और अकड़ दिखाना, यहाँ पर है कि घमंड में सबको तुच्छ समझ लेना मीन्स अकड़ दिखाना, वो अपना अकड़ दिखा रहा है, तो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। अब है 19 है प्रतिष्ठा खोना, प्रतिष्ठा खोना का क्या हो जाएगा, इज्जत धूल में मिलना, नाक कटना, नाक नीची होना, इज्जत दो कौड़ी का होना, इज्जत धूल में मिलना, ये सारे ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। नाक नीची होना भी यही होता है, प्रतिष्ठा खोना, नाक कटना भी इज्जत जाना होता है, प्रतिष्ठा खोना हो जाएगा, इज्जत दो कौड़ी की होना मतलब ये भी राइट आंसर नहीं बन सकता है। दो कौड़ी की होना ये पहले से ही मतलब इसका पहले से प्रतिष्ठा था, इसका प्रतिष्ठा खो गया। इज्जत धूल में मिलना, नाक नीची होना, नाक कटना, इज्जत धूल में मिलना, नाक कटना और नाक नीची होना, इसमें से तीनों में से कौन सा आंसर इसका राइट आंसर बनेगा। प्रतिष्ठा खोना, नाक नीची होना ये भी इससे राइट आंसर नहीं बन सकता, इज्जत धूल में मिलना या नाक कटना, इज्जत जाना, तो प्रतिष्ठा खोना का यही हो सकता है, नाक कटना एक मुहावरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 20 नष्ट भ्रष्ट कर देने के भाव को प्रदर्शित करने वाला मुहावरा कौन सा होगा। नष्ट भ्रष्ट कर देना मतलब सर्वनाश करना, ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर है। बंटा ढार करना, ईट से ईट बजाना, मिसमार कर देना, ये सब गलत हो जाएगा। अब है 21 नंबर बहुत दिनों बाद भेंट होना, बहुत दिनों बाद भेंट होना मतलब कभी कभी दिखाई देना, जैसे ईद का चांद होना, ये हम लोग भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इस तरह से 18 का, 16 का था संभव काम संपन्न करना, आकाश के तारे तोड़ना, कतराना मुँह छिपाना का हो जाएगा आँख चुराना, घमंड से चूर होना, अकड़ दिखाना, प्रतिष्ठा खोना, नाक कटना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, सर्वनाश करना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। तो इस तरह से हम लोग आज 21 क्वेश्चन देखे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह के अन इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सके। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।